हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कोरोना 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 बस यही चल रहा है। लोग खुद भी बहुत डर रहे हैं और दूसरों को भी उतना ही डरा रहे हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, जहाँ देखो बस यही न्यूज़ है। आज इतने न्यू केसेस आए हैं, इतने लोगों की डेथ हुई है, इतने एक्टिव केसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कितने लोग रिकवर हुए हैं। यूजुअली माइल्ड इन्फेक्शन में लोग 2 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन सीरियस इन्फेक्शन में 1 महीना भी लग जाता है। एंड अभी इंडिया में कोविड रिकवरी रेट बहुत बेटर है, इसलिए जो लोग इस वायरल से इन्फेक्ट हो रहे हैं वो लोग भी बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं और धीरे धीरे अपनी ओल्ड लाइफस्टाइल को एंजॉय करने लगे हैं। अगर आप या आपके नोन में कोई इन्फेक्टेड था और रिकवर हो चुका है तो कंग्रेचुलेशंस। बट रिमेम्बर, अब वायरस आपकी बॉडी में नहीं है, लेकिन रिकवर होने के बाद भी कुछ दिनों तक आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हियर इज अ कंप्लीट गाइड टू पोस्ट कोविड केयर। नंबर 1 इज टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि रिकवर होने के बाद भी और 7 डेज आप आइसोलेटेड रहें। कुछ स्टडीज से पता चला है कि अगर सिम्टम्स डिसअपियर हो भी गए हैं तो भी वायरस आपकी बॉडी में हो सकता है, इसलिए रिकवरी के बाद भी 1 वीक का कंप्लीट रेस्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अ वेल रेस्टेड बॉडी कैन फोकस ऑन हीलिंग। गेट इनफ स्लीप, बिकॉज जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी में रिकवरी प्रोसीजर स्पीड से होता है एंड वर्कलोड, स्ट्रेस, टेंशन इन सब से बिल्कुल दूर रहे। नंबर 2 इज हैव अ न्यूट्रिशियस डाइट। फूड रिकवरी पाथ को ईजी करता है। हेल्दी फूड आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है। मेक श्योर आपकी डाइट में बहुत सारा प्रोटीन होना चाहिए, जैसे सूप, सीड्स, नट्स एक्सेट्रा। प्रोटीन आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। डोंट फॉरगेट टू ईट एटलीस्ट 1 फ्रूट इन अ डे एंड बहुत सारा पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। नंबर 3 इज एक्सरसाइज अ लिटिल एवरी डे। एक्सरसाइज मे साउंड अनअपीलिंग, लेकिन ये जरूरी है स्पीडी रिकवरी के लिए। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। एक्सरसाइज और ज्यादा हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी कोविड रिकवरी में बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ उतनी ही एक्सरसाइज करें जितनी आप कर पाए। अपनी कुछ फेवरेट एक्सरसाइज ही करें और दिन में 10 मिनट सफिशियंट है। नंबर 4 इज प्ले फ्यू मेमोरी गेम्स। कोविड इज नोन टू डैमेज ब्रेन एंड न्यूरल सेल्स। फ्यूचर मेमोरी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेमोरी गेम्स खेलने की कोशिश करें, जैसे सुडोकू, क्रॉसवर्ड, पजल्स एक्सेट्रा। ये आपके लॉस्ट अटेंशन को रीगेन करने में हेल्प करेंगे और आप इरिटेट एंड बोर भी नहीं होंगे। नंबर 5 इज चेक योर ब्लड ऑक्सीजन लेवल। कंटिन्यू आपको ऑक्सीमीटर से अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहना है। इवन इफ आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं, फिर भी लंग डैमेज हो सकता है जो आपको भी पता ना हो। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है या 90 से नीचे जा रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। नंबर 6 इज वॉच आउट फॉर अदर सिम्टम्स। कोविड कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर हेल्थ। आपको अलर्ट रहना है, कोविड आपके लंग्स एंड हार्ट को डैमेज कर सकता है, इसलिए रिकवरी के बाद भी ब्रीदिंग में कोई भी इशू हो तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। ये कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है कोविड रिकवरी के बाद भी। सो गाइस, स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।